कि जो दिल्ली सरकार ने मोदी सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियाँ रहती हैं उसी कदम पर केजरीवाल सरकार मजदूर विरोधी नीतियों के ऊपर चल रही है। इनकी जो तानाशाही अधिकारी, ये खुद अधिकारी और सरकार दोनों ने मजदूरों को खाली बहकाया है और जो बोर्ड का पैसा है करोड़ों रुपया पड़ा है उस पैसे का दुरुपयोग किया है। अभी तक हम जो देख रहे हैं 2014 से लेके मोदी सरकार ने मजदूरों के कानूनों को जो तोड़ मरोड़ करके चार बिल लाए हैं वो मजदूर के खिलाफ लाए, उस पर हमने संघर्ष किया, हमारे तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संघर्ष किया। हम देख रहे हैं लॉकडाउन के अंदर कोरोना काल में श्रमिकों को इतनी दुर्दशा, जो प्रवासी मजदूर गया रास्ते में, गर्भवती महिलाएं वहाँ पे ख़त्म हो गई रास्तों में, बॉर्डर पार नहीं कर पा रही, भूख से तड़प रहे थे मजदूर। केजरीवाल सरकार ने कहा सहायता राशि देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा था, इन्होंने दिखा दिया कुछ मजदूरों को दिखा करके डिवाइड रूल करके कुछ मजदूरों को पैसा मिला और अभी भी इतने मजदूर जो धक्के खा रहे हैं उनको सहायता राशि लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल की अभी तक नहीं दी गई। उसके अलावा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन जो है उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी इन लोगों ने कि वो प्रक्रिया आप देखेंगे आज अप्लाई कराओ और इन्होंने अप्लाई के दौरान साइबर कैप वगैरह वाले या अप्लाई आप ऑनलाइन ही डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, लेकिन इनकी फ़ोटो के ऑप्शन बहुत दिनों में आते हैं, फ़ोटो का ऑप्शन आ भी जाएगा उसके इंतजार में फिर इनको महीना महीना डेढ़ महीना उनके लेबर डिलीवर होने में लगता है। इस जटिल समस्याओं को हम कम करने के लिए कई बार डिप्टी सेक्रेटरियों से मिल चुके हैं, कई बार हम बोर्ड के अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। बोर्ड के अधिकारी इतने मतलब तानाशाही रवैये से बात करते हैं, फ़ोन पर बात नहीं करेंगे, जाएंगे तो सुनेंगे नहीं, मजदूरों को धक्के खिलाएंगे। हम मजदूरों के नेता अगर वहाँ अधिकारियों के पास जाते हैं तो उसके बाद में भी वो हमसे कहते हैं कि मजदूरों को भेजो, आप क्यों आए हो? अगर मजदूर अपनी दिहाड़ी तोड़ करके 300-200 रुपया की दिहाड़ी तोड़ करके रोज़ इनके यहाँ धक्के खाएगा तो अपने बच्चों को रोटी कैसे खिलाएगा? सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आप लॉकडाउन कोरोना काल के अंदर जो 5,000-10,000 रुपये पर गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि दिसंबर 2018 तक के जो रजिस्टर्ड वर्कर है उन वर्करों को आपको लॉकडाउन कोरोना काल का पैसा देना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नज़रअंदाज करते हैं, ये नेताओं को भी नज़रअंदाज करते हैं, ये उस श्रमिक के साथ धोखा कर रहे हैं और मजदूर की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मजदूर इन सरकार की रीढ़ की हड्डी जब तोड़ेगा इनको इनकी कुर्सी से गिरा करके वापसी जमीन पर लाएगा और मजदूर के हम प्रतिनिधि इन मजदूरों को एकत्रित करके हम केजरीवाल के यहाँ हल्ला बोलेंगे, हम मोदी सरकार के यहाँ भी हल्ला बोलेंगे। जब तक मजदूरों के हक और अधिकार को हम नहीं दिला पाएंगे हम आराम से चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम देख रहे हैं 50-50 मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं उनका पैसा रोक लिया जाता है। लेबर डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि ये बोर्ड का काम है, बोर्ड वाले कहते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट का काम है। हमारी ये मांग है आपके माध्यम से कि बोर्ड ये जो श्रमिक भवन निर्माण के कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं इनका अगर कोई पैसा रोकता है, इनकी एक दिन की अगर दिहाड़ी कोई रोकता है तो बोर्ड अलग से इस वहाँ का एक इंस्पेक्टर बैठा है, वहाँ के इंक्वायरी ऑफिसर अलग से बैठा है और ये बोर्ड अपनी तरफ से इन अधिकारियों को चुने कि वो उनके ऊपर क्लेम या केस लगाए। उन मालिकानों पे केस लगना चाहिए कि इनकी 300-400 रुपये की दिहाड़ी कैसे रोक ली। इंडस्ट्री जनरल मजदूर के लिए तो है लेबर डिपार्टमेंट आपका, वो भी नाकाफी है, वो भी नाम के लिए रखा हुआ है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भवन निर्माण का जो मजदूर धूप में, गर्मी में, बरसात में छतों पर चढ़ करके काम करता है, लेंटर करता है, पीओपी करता है, मार्बल घिसाई करता है, ईंटें लगाता है, ईंटें ढोता है, उन मजदूर का अगर 300-400 रुपया मालिक रख लेगा तो ये मजदूर अपने बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएंगे? हमारा सवाल ये है, इसलिए हम बार बार आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि बोर्ड या तो सुधर जाए या केजरीवाल सरकार सुधर जाए, अन्यथा हम और यूनियनों को मिलाएंगे अपने साथ और इस संघर्ष को लंबा ले जा करके केजरीवाल के खिलाफ उसके दरवाजे पे, उसके गेट पे इन डिप्टी सेक्रेटरी जो सुनता ही नहीं है, मजदूरों की सुनता नहीं है, मैनेजर है वो सुनता नहीं है, हेड ऑफिस में बात करो वो सुनते नहीं है। अभी आज ये मेरे पास ये महिला आई है, इन महिला के हम ऐसी कितनी एप्लीकेशनें लिख लिख के भेज चुके हैं ऐसे मजदूरों की कि आप इनको इनका लॉकडाउन कोरोना काल का पैसा दीजिए। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर कोई कह रहा था कि उस समय दुर्दशा खराब हुई मजदूरों की, आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये महिला आज धक्के खा रही है,
इसने धक्के खाए, इन महिलाओं को लेकर के हमारे साथी गए लेबर डिपार्टमेंट में, रिसीविंग नहीं करेंगे, डाक डायरी नहीं करेंगे, मोहर मार के नहीं देते ये लोग, मतलब बिल्कुल ही आवारा डिपार्टमेंट ये बोर्ड हो गया है। मतलब मजदूरों के नाम का इनके पास काम के लिए है ही नहीं टाइम, समय ही नहीं है। हम अभी आपसे भी कह रहे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि या तो ये डिप्टी सेक्रेटरी सुधर जाए, नहीं करना है काम अपनी नौकरी छोड़ के चला जाए, लेकिन मजदूर का अगर काम करना है तो उसको नौकरी पर बरकरार रहना पड़ेगा। हम इस आवाज़ को उठाएंगे और संघर्ष करके सभी मजदूरों के कंधे से कंधा, ताल से ताल मिला करके हम बहुत बड़ा आंदोलन केजरीवाल सरकार के खिलाफ करेंगे। हम बोर्ड पे ढाबा बोलेंगे, हल्ला बोलेंगे और मजदूरों का तमाम जो रुका हुआ पैसा है इनको देना होगा, क्योंकि हमारे साथी ये सुनील जी, इनका भी पैसा रुका हुआ है, ये जाते हैं बोर्ड में, इनकी कोई सुनता नहीं है, धक्के खिलाते इनको। ये हमारी यूनियन के साथी हैं, ये कंचन जी गई थी अभी, ये मैडम बैठी वहाँ, इन मजदूर को लेके गई थी, कंचन जी खड़े हो एक बार, ये जाती रहती है अंदर, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ, यूनियन की वो सुनेंगे नहीं, मजदूर की वो सुनेंगे नहीं, और अखबारों में मोटी मोटी लाइनों से ये अपना प्रचार इस तरह कराते हैं कि केजरीवाल सरकार के अलावा मजदूरों का कोई मसीहा ही नहीं है, जबकि मजदूरों के साथ धोखा, उनको गुमराह करना, अपना चुनावी प्रचार करना, अपने एजेंडे को तैयार करके मसौदा रख देना पब्लिक के बीच में कि हम केजरीवाल सरकार ने 5,000 दिया, आपने दिया लेकिन आपने सभी मजदूरों को नहीं दिया। आप अगर करना ही चाहते हो काम, मजदूरों का भलाई करना चाहते हो, तो हमें क्या पड़ी है, हम क्यों आप लोगों के पास आएंगे, हम क्यों डिप्टी सेक्रेटरी का दरवाजा खटखटाएंगे। आप मजदूरों को परेशान करना बंद कर दो, उनके अकाउंट में पैसा डालो, अगर नहीं डालोगे तो हमारा आप यही कहना है कि हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे केजरीवाल सरकार के खिलाफ, और केजरीवाल सरकार और जो श्रम मंत्री है, श्रम मंत्री जो हीरो बनता है हर डिप्टी से डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटर जिले में जाता है और जाके वहाँ पे हीरो बन के आएगा कि मैंने ये करा, और वहाँ पे जाके अधिकारियों को जाके हड़का के दिखाता है और उसकी प्रचार प्रसार टीवी पे और अखबारों में दिखाता है। असली काम करना है तो ये टीवी पे और अखबारों में मत दिखा के हीरो बनो, मजदूरों के बैंकों में पैसा डालो, मजदूरों के हक अधिकार का काम करो, सैकड़ों क्लेम जो पेंडिंग पड़े उन क्लेमों को पूरा करिए, उन किसका शादी का क्लेम है, किसके बच्चे का क्लेम है, डेथ क्लेम पेंडिंग पड़े हुए सैकड़ों की संख्या में, उन क्लेमों को ख़त्म करो। कोई वेलफेयर का काम नहीं कर रही है ये बोर्ड, और ये खाली उस पैसे पे लूट खसोट मचा रखे सरकार और इनके अधिकारी लूट रहे, मजे ले रहे। इसी बात को मैं अपनी ख़त्म करके आपको धन्यवाद देता हूँ।